बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। दोस्तों कनाडा IRCC की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई है। रिसेंटली दोस्तों मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर बताया था कि सुपर वीज़ा वालों के लिए फ्यूचर में बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है, और जो लेटर उन्होंने दिया था वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर वो दो स्टेप्स पे क्लियर हो चुका था, उसका लास्ट स्टेप बाकी था और फाइनली वो लेटर अब क्लियर हो चुका है और सुपर वीज़ा वालों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ जो है वो आ चुकी है। तो चले फ्रेंड्स करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है आसिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चले शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज नीचे रेड बटन होगा उसको दबा दो, मेरे को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों फाइनली कनाडा IRCC की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई है सुपर वीज़ा वालों के लिए। तो चलते हैं डायरेक्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और चेकआउट करते हैं कि ये न्यूज़ क्या है। फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो कि ये कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दी है कि कनाडा टू इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टे फॉर पेरेंट्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स सुपर वीज़ा टू 5 ईयर पर एंट्री। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि जो लोग पहले सुपर वीज़ा के ऊपर जाते थे कनाडा, उनको 2 साल का जो है वो वीज़ा दिया जाता था और 2 साल के बाद उन्हें दोबारा से वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता था। तो यहाँ पर अब दोस्तों उन्होंने 5 साल का जो है वो स्टे पीरियड कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है सुपर वीज़ा वालों के लिए। साथ ही में जो एक और चीज़ के अंदर सबसे बड़ा मसला आता था जो कि है मेडिकल इंश्योरेंस, जो कि काफ़ी महंगा पड़ता था, अब उसके ऊपर भी बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो यहाँ पर चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि इन्होंने चेंजेस क्या क्या की है। अब आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों कि इन्होंने एक तो सुपर वीज़ा की लेंथ जो है वो 2 साल से 5 साल की कर दी है। साथ ही में अब ये बेनिफिट वो लोग भी उठा पाएंगे जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर मौजूद हैं और जिनके पास ऑलरेडी सुपर वीज़ा है, वो भी अपनी लेंथ को इंक्रीज कर पाएंगे। सेकेंडली दोस्तों इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अथोराइज कर लिया है कुछ डेजिनेटेड इंटरनेशनल मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज को, जो कि कवरेज करेगी सुपर वीज़ा एप्लीकेंट्स को। तो ये आने वाले दिनों के अंदर आपको उसकी लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी कनाडा IRCC की तरफ से, और फिर आप जो है वो कम कीमत वाला मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो अप्लाई कर पाओगे कुछ कंपनीज से, जो कि आप लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पे मिलेगा। क्योंकि पहले जो लोग भी सुपर वीज़ा अप्लाई करते थे उनको एक मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो बाय करना पड़ता था, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता था, लेकिन अब उनके लिए कनाडा IRCC ने काफ़ी आसानी कर दी है। तो इसके बारे में दोस्तों मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत जल्द आने वाले दिनों के अंदर सुपर वीज़ाज वालों को बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देखने को मिलने वाली है कनाडा IRCC की तरफ से, और फाइनली वो न्यूज़ अभी जो है वो लॉन्च कर दी गई है और आने वाले 4 जुलाई के बाद जो है इस पॉलिसीज पे काम होना शुरू हो जाएगा। मतलब अभी ये पॉलिसीज दोस्तों अप्लाई नहीं की गई, 4 जुलाई से ये पॉलिसीज अप्लाई की जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।